तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम मास्टर में। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो जब भी कभी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है अलंकार। ये हिंदी के व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अलंकार से तीन चार क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो मैं आज डिफाइन करूँगा अलंकार को। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं बता दूँ आपको अलंकार का मतलब क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, यानी किसी को सजाना। अलंकार वे हैं जो काव्य की सजावट को बढ़ाते हैं, अर्थात काव्य की सजावट को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। तो ये तो सिंपल परिभाषा हो गई दोस्तों। तो मैं बता दूं, अलंकार को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भाग आप याद रखिएगा, शब्द अलंकार अर्थात शब्द पर आश्रित अलंकार, यानी वे अलंकार जो अपने शब्दों के माध्यम से किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं। और अर्थालंकार वे का अलंकार होते हैं जो अपने शब्दों के अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वे अर्थालंकार कहलाते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत आप लिख लीजिए कि कौन कौन से अलंकार आते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति आदि। और अर्थालंकार के उदाहरण हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, विभावना, विशेषोक्ति, अर्थांतरन्यास, उल्लेख, दृष्टांत, विरोधाभास, भ्रांतिमान। तो ये तो मैंने दोस्तों आपको सारे नाम बता दिए, लेकिन आपको तैयारी के लिए पढ़ना है तीन तीन अलंकार। शब्द अलंकार में से आपको पढ़ना है अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार में से पढ़ना है आपको उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। और इसके अलावा एक टाइप होता है उभयालंकार। उभयालंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर चमत्कार करते हैं। तो दोस्तों, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। अब हम आते हैं अपने पहले भाग पर, शब्दालंकार पर। जी हाँ, शब्दालंकार के भाग एक पे मैं आपको बताऊंगा अनुप्रास अलंकार क्या होता है। जहाँ किसी वर्ण की अनेक बार क्रम से आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ वर्ण मतलब शब्द से है दोस्तों। शब्द मतलब जो अक्षर, किसी पार्टिकुलर अक्षर की बार बार रिपीट किया जाए। जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। इसमें भा शब्द जो है पर्टिकुलरली कई बार आया है, इसलिए भा की आवृत्ति अनेक बार होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों, किसी भी काव्य में अगर कोई एक पर्टिकुलर वर्ण बार बार आता है, बार बार का खा गा से ज्ञा तक का कोई भी वर्ण बार बार आता है, दो या दो से अधिक बार आता है, तब भी वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा अलंकार है यमक। ये जहाँ कोई शब्द एक से, यहाँ पर शब्द की बात, ऊपर अनुप्रास में वर्ण की बात की गई थी, अब शब्द की बात आ गई है। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हों वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पर पहले सजना का अर्थ है श्रृंगार करना साज और सजावट से, और दूसरे सजना का अर्थ है नायक, या जो प्रेमिका का प्रेमी है नायिका का नायक है। यहाँ पर सजना सजना दो बार है और दोनों के शब्द अलग हैं, अतः यहाँ पर यमक अलंकार होगा दोस्तों। तीसरा अलंकार मैं आपको बता देता हूँ, श्लेष अलंकार। जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके एक से अधिक अर्थ हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी के तीन अर्थ हैं, कांति, आत्मसम्मान और जल, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। क्योंकि रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमदास जी पानी शब्द का एक ही बार प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। एक होता है आपका कांति से, एक होता है आपका आत्मसम्मान या इज्जत से, और एक पानी का मतलब जल से। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा दोस्तों। अब अर्थालंकार की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है उपमा अलंकार। जहाँ गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती हो, जैसे हरिपद कोमल कमल से,
यहाँ पर हरिपद की तुलना कमल की कोमलता से की गई है, अर्थात यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में किसी एक चीज़ की दूसरे चीज़ से तुलना की जाती है, तो उपमेय की तुलना उपमान से की गई है। यहाँ पर उपमेय क्या है, हरिपद है आपका, और उपमान क्या है जिससे की गई है तुलना, कमल है। तो आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिस चीज से तुलना की जाए, तो ये आपका उपमा अलंकार हो गया। रूपक अलंकार ये होता है कि जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपित किया जाए, जैसे मतलब उपमेय के ही को ही उपमान मान लिया जाता है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घाट ऊषा नागरी, आकाश रूपी पनघट में ऊषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े डुबो रही। यहाँ पर आकाश पर पनघट का, ऊषा पर स्त्री का और तारे पर घड़े का आरोप होने का रूपक अलंकार है। यहाँ पर माना नहीं जाता, एग्जैक्ट थोप दिया जाता है कि ये चीज़ एग्जैक्टली वही है, तो इसलिए रूपक अलंकार की ये परिभाषा है। उत्प्रेक्षालंकार की बात करें तो उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षालंकार होता है। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ पर मुख यानी उपमेय को चंद्रमा यानी उपमान मान लिया गया है, यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार है। इस अलंकार की पहचान मनु मानो जनु जानो शब्दों से होती है, यानी यहाँ पर ये अलंकार जहाँ भी होंगे वहाँ पर मनु मानो जनु जानो इस प्रकार के शब्द उस वाक्य में ज़रूर होंगे जहाँ पर इन्हें मान लिया जाता है। तो दोस्तों ये थे मेन टाइप्स ऑफ अलंकार। अब आगे वीडियो में आप हमें बताइए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, हम उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनाएंगे। फिर भी अगर अलंकार पे आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए जिससे आपको कोई भी वीडियो हमारा आते ही मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।